सांसद स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र में बिजली की बदहाली ने सारी हदें पार कर दी हैं। तभी तो बीजेपी विधायक सुरेश पासी ने खुद पत्र लिखकर बिजली सुधार की गुहार लगाई है ताकि रोजाना हो रही कटौती को रोका जा सके। तो वहीं दूसरी तरफ आक्रोशित महिलाओं ने गौरीगंज पावर हाउस पर ही धावा बोल दिया। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। अमेठी जिला इस वक्त बदहाली के आंसू रो रहा है। सरकार का कहना है कि पूरे प्रदेश में 24 घंटे लाइट मिल रही है, लेकिन असल हकीकत तो इस खत ने खोल कर रख दी। ये खत पूर्व राज्य मंत्री और विधायक सुरेश पासी ने ऊर्जा मंत्री को लिखा है, साथ ही इसे खुद विधायक ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर भी किया है। रोजाना हो रही घंटों की कटौती की वजह से जहां आम लोग परेशान हैं, तो वहीं कारोबारी भी बर्बाद हो रहे हैं, जिससे सभी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शायद इसीलिए मजबूरन विधायक सुरेश पासी ने ऊर्जा मंत्री को खत लिखा है। वहीं दूसरी तरफ बिजली कटौती से परेशान महिलाओं ने गौरीगंज पावर हाउस पर धावा बोल दिया। महिला डंडे लेकर नारेबाजी करते हुए दफ्तर पहुंची तो कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक सभी की हवा खराब हो गई। महिलाओं का आरोप है कि बिजली विभाग 3 घंटे की अघोषित कटौती कर रहा है, जिससे ना तो घर में कोई काम हो पा रहा है और ना ही बच्चों की पढ़ाई हो पा रही है। लिहाजा महिलाओं का मानना है कि बिजली कटौती को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए। ये खबर हमारे संवाददाता मोहम्मद तौफीक ने कवर की है। अगर आप हमारी ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। साथ ही साथ अगर आप यूट्यूब पर हमारी ये खबर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।